क्या आपको एक लंबा मोटा स्वस्थ लिंग पसंद है? क्या आप चाहते हैं कि आपका लिंग भी हाइजीनिक हो, पेनिस में अच्छा इरेक्शन आए, टाइमिंग बढ़िया हो, लिंग के अंदर वेन्स दिखे, लिंग अच्छा स्वस्थ रहे? तो फिर ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पिनाइल मसाज की टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहली बात तो समझिए कि मेरा पहला वीडियो है पिनाइल मसाज के फ़ायदे। तो पिनाइल मसाज एक एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टेक्निक है। पिनाइल मसाज से पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वेन सप्लाई, वॉल्व्स की रिपेयर, लेंथ, वेन्स, हर चीज़ में फ़ायदा मिलता है। पर मेरे से बार बार मेरे व्यूअर्स ने पूछा कि सर पिनाइल मसाज करें कैसे, तो इस वीडियो में मैं आपको पिनाइल मसाज की टेक्निक के बारे में डिटेल्स बताऊँगा। ये वीडियो लंबा है, ये वीडियो थोड़ा बोरिंग है, इस वीडियो को पूरा देखने में समय लगेगा, पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और वीडियो में दिए गए स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो अगर आपके पेनिस में मास्टरबेशन से या एज से या डायबिटीज़ से किसी भी कारण से अर्ली, मॉडरेट, इवन सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और चाहे आपने इम्प्लांट तक भी कराया हो, तो भी आपके पेनिस को स्वस्थ रखने के लिए, उसकी ब्लड सप्लाई को अच्छा रखने के लिए, उसकी लेंथ और गर्थ और मोटाई को अच्छा रखने के लिए आपको इस वीडियो में से बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट यानी कि एक पुरुष रोग सर्जन। मैं पेनिस की हर तरह की सर्जरी करता हूं, चाहे वो उसके टेढ़ेपन की हो, चाहे सर्कमसीजन हो, चाहे ZSR ओरिजिनल सर्कमसीजन हो, चाहे फेनलोप्लास्टी हो, PME हो, कर्वेचर हो, चाहे इम्प्लांट्स हो। पर जैसा कि मेरे मरीज जानते हैं जो मेरे पास पहले आए हैं या जिन्होंने मेरे से इलाज कराया है, मेरी हमेशा पहले कोशिश रहती है कि आप अपने आप को अगर नेचुरल तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमेशा उसकी कोशिश पहले की जाए। नेचुरल तरीका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई पर्टिकुलर मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। नेचुरल का मतलब ये है कि एक प्रोटोकॉल बोलते हैं जिसको EPR या मेरा खुद का बनाया गया प्रोटोकॉल है, विच इज़ कॉल्ड एज पिनाइल रिहैबिलिटेशन। पिनाइल रिहैबिलिटेशन में बड़े सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, उसका मेरा अलग वीडियो है, पर उसमें एक कॉम्पोनेंट है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग एक्सरसाइजेज, कीगल एक्सरसाइजेज और पिनाइल मसाज पर मैं काफ़ी जोर देता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको पिनाइल मसाज की बेसिक जो कुछ स्टेप्स है या बेसिक कुछ प्रिकॉशंस है, बेसिक टेक्निक है, उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप इसको स्टार्ट करें और अपनी एक सेक्सुअल हेल्थ या अपनी एक पेनिस हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। अगर आप कहीं से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाई करवा रहे हैं या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मेरे पास अगर आप शॉक वेव करा रहे हैं या पी शॉट करा रहे हैं तो भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो पेनिस अगर आप समझें मोटा मोटा, तो पेनिस बेसिकली एक ऑर्गन है जिसके अंदर कॉर्पोरा होते हैं, जिसके अंदर ब्लड आता है। विद टाइम, विद एज, विद मास्टरबेशन, विद इनएडिक्वेट केयर, ये कॉर्पोरा के अंदर काफ़ी इंजरी होती है, कॉर्पोरल वेसल ख़राब होते हैं, स्कारिंग होती है, फाइब्रोसिस होती है, पूरा ब्लड नहीं पहुँच पाता, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आते, रात में पेनिस पूरा इरेक्ट नहीं होता, पेनिस में श्रिंकेज आती है, टर्टलिंग हो जाती है, वेन्स सिकुड़ जाती है, कलर चेंज हो जाता है, पेनिस उतना पिंक नहीं रहता, उतना लटकन नहीं रहती, उतना हार्ड नहीं रहता। इसके मल्टीपल रीजंस है, हो सकता है कि आपको, तो वो तो हम ERP में सिखाते हैं, पर सबसे पहले पिनाइल मसाज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करना ज़रूरी है। पहला है कि अपने पेनिस को अच्छे से खुद ही जांच ले। अगर पेनिस में टेढ़ापन है, पेनिस में कर्वेचर है, पेनिस में कोई गांठ है, अगर पेनिस के अंदर आपको लगे कि पेनिस में कोई वेन है या इंजरी है, तो पिनाइल मसाज ना चालू करें, पहले अपने यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाइए। पेरोनियस डिजीज़, कर्वेचर पेशेंट्स, इनके अंदर पिनाइल मसाज को बहुत केयरफुली करना पड़ता है, वरना आपको इंजरी हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, पिनाइल मसाज कभी भी इरेक्ट अवस्था में नहीं होता। पिनाइल मसाज कभी भी इरेक्ट पेनिस में नहीं होता। पिनाइल मसाज के लिए आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मसाज के टाइम में इरेक्शन नहीं आएगा, पर जैसे जैसे आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगी, आप मसाज करते करते अपने पेनिस में इरेक्शन पाएंगे। तो अगर इरेक्शन हो रहा है तो आपको मसाज वेट करके इरेक्शन को डाउन या इरेक्शन को जाने की वेट करनी पड़ेगी। पिनाइल मसाज इरेक्शन में करने से इंजरी होने का चांस है, तो इरेक्शन के ड्यूरिंग पिनाइल मसाज नहीं करना। तीसरा, पिनाइल मसाज के अंदर आपको जो पेनिस का हेड है या जो ग्लांस है उसको इंजर नहीं करना, उसके ऊपर जोर नहीं लगाना, उसको अपने थम्स या हाथ से नहीं पकड़ना, उसके ऊपर प्रेशर नहीं देना। बाकी कॉर्पोरा के अंदर डबल ब्लड सप्लाई होती है, जो ग्लांस है उसकी ब्लड सप्लाई बहुत वीक होती है। पिनाइल मसाज के ड्यूरिंग ज़्यादा ग्लांस पे फोर्स लगाने से इंजरी हो सकती है, तो पेनिस मसाज के अराउंड आपको ग्लांस के ऊपर नहीं हाथ लगाना। आपको पेनिस ग्लांस के नीचे जो सब कॉर्नल सल्कस है
वहाँ से होल्ड करना है, वहाँ से पकड़ना है, उसके बाद ही मसाज कीजिए, उससे आपको ग्लांस पे इंजरी नहीं होगी। चौथा, पेनिस मसाज कभी भी पेनफुल नहीं होनी चाहिए। आपको कभी भी इतनी स्ट्रांगली या इतने फोर्स से अपने पेनिस को मसाज नहीं करना कि आपको पेन हो जाए। पेनिस मसाज हमेशा पेनलेस होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा सा फीलिंग ज़रूर आएगा, पर बहुत ज़्यादा पेनफुल या बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पेनाइल मसाज नहीं करनी। पेनिस मसाज को दिन में एक या मैक्सिमम दो से ज़्यादा बार नहीं करना। एक बार के सेशन में 5 से 10 मिनट से ऊपर नहीं करना। बहुत प्रोलॉन्ग्ड पेनिस मसाज नहीं करनी। पेनिस मसाज करने से पहले पेशाब कर ले, अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में करके करे, अपनी प्राइवेसी में करना है। अगर आप एंशियस है, आपके पास जगह नहीं है करने की, आप डर के करेंगे, तो पेनिस मसाज फ़ायदा नहीं करेगी, क्योंकि आपके अंदर एंग्जाइटी इतनी होगी कि पेनिस वैसे ही श्रिंकेज में रहेगा, तो आपको जो पेनिस मसाज है उसके अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर ये सारे प्रिकॉशन लेके चले तो फिर हम अब पेनिस मसाज करने के लिए रेडी है। पेनिस मसाज करने के लिए पेनिस की हाइजीन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फोरस्किन है, गंदी फोरस्किन है, उसमें मल है, वो खुलती नहीं है, आप पूरे ग्लांस तक अपने हाथ को आराम से नहीं मूव कर सकते, पेनिस को खींचने में या ग्लांस के नीचे हाथ रखने में आपको दर्द हो रहा है, तो आप या तो अपनी पेनिस की फोरस्किन को ठीक कीजिए, या उसकी सर्कमसिजन कराइए, या उसको एटलीस्ट क्लीन करके, ऑयलिंग करके, एटलीस्ट आपकी फोरस्किन पूरी पीछे होनी चाहिए आराम से, तभी आपको पेनाइल मसाज का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी फोरस्किन पीछे नहीं जा रही है, आप ग्लांस तक अपनी मसाज नहीं कर पा रहे, आप पूरा हैंड की मूवमेंट या स्किन की मूवमेंट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, या पेनिस के आसपास बहुत ज़्यादा बाल है, बहुत ज़्यादा प्यूबिक हेयर है, तो भी आपको मसाज का बेनिफिट कम मिलेगा। अच्छा तरीका तो ये है कि फोरस्किन पूरी पीछे जानी चाहिए, पेनिस पूरा क्लीन होना चाहिए, उस पर कोई गंदगी स्मैग्मा नहीं होना चाहिए, आपको ईजी होना चाहिए अपनी मसाज करने। मसाज एक क्लीन तरीका है, अपनी पेनिस की क्लीननेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप नीचे के बाल या अपने प्यूबिक एरिया के बाल भी हटा लेंगे तो आपको और अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हाइजीन बढ़ती है, प्लस बाल निकलने से आप अपने पेनिस की बेस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको अच्छे से देख सकते हैं। पेनिस मसाज के साथ साथ अपने जो पेट है, जो पेनिस के ऊपर का जो पेट है, उसको कम करने की कोशिश भी करिए। जितना आपका टमी फ्लैट है, जितना आपके एक्सटर्नल ओब्लिक स्ट्रांग है, जितना आपका कोर स्ट्रांग है, जितना आपका पेल्विक एरिया स्ट्रांग है, उतना ही आपको पेनिस मसाज का बेनिफिट मिलेगा। अब पेनिस मसाज करने से पहले आपको अपना एक ऑयल चूज़ करना है। ऑयल या जो लुब्रिकेंट है वो बहुत ज़रूरी है, ड्राई मसाज नहीं करेंगे। ऑयल या लुब्रिकेंट ऐसा होना चाहिए जो आराम से लग जाए, जो आराम से छूट जाए, और अगर उस ऑयल और लुब्रिकेंट के अंदर ऐसा कोई एडिटिव है जिससे पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़े तो अच्छा है। बहुत सारे डिफरेंट ऑयल्स आते हैं जो मार्केट में है, जो आयुर्वेदिक में बताते हैं, ईवीओ ऑयल है, जैतून है, सांडा है, कोकोनट है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है। बट बेसिक मसाज ज़रूरी है, लुब्रिकेंट ज़रूरी है, ऑयल का क्वालिटी ज़रूरी नहीं है। वो ऑयल हैमर ऑफ थॉर भी हो सकता है, वो ऑयल सिंपल भी हो सकता है, वो ऑयल बेसिक नारियल का तेल भी हो सकता है, पर जो भी ऑयल है आप अपना ऑयल यूज़ करेंगे, लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे, ऑयल की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ या ऑयल का डिफरेंट रिव्यूज़ जिसमें कुछ भी साइंस है तो उसके बारे में आपको बताऊँगा, पर आपको एक बेसिक लुब्रिकेंट अपने मसाज के लिए इस्तेमाल करना है। सेकेंड, लुब्रिकेंट ले लिया, अब है वार्म। पेनिस को गर्म या वार्म करना बहुत ज़रूरी है। मसाज से पहले पेनिस को वार्म करने से एक तो पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़ता है, मसाज ईजियर हो जाती है, पेनिस फ्लैसिडिटी में आ जाता है, मतलब श्रिंकेज में नहीं रहता, थोड़ा सा फूल जाता है, तो मसाज करना ईजी हो जाता है। वार्म करने के लिए चाहे आप गर्म पानी का उपयोग कीजिए, चाहे आप गर्म ऑयल का उपयोग कीजिए, चाहे आप गर्म हाथों में अपने पेनिस को पकड़ के उसको वार्म कीजिए, चाहे वार्म पैड लीजिए, चाहे हॉट वाटर बॉटल लीजिए, चाहे मॉइस्चरिंग पैड लीजिए या राइस सॉक्स लीजिए, जो भी है, आप पहले अपने बॉडी को वार्म अप करेंगे। तो आप सबसे पहले पेनिस को वार्म करेंगे। पेनिस को वार्म करने के लिए आप गर्म कमरे में बैठ सकते हैं, सोना में बैठ सकते हैं, स्टीम में बैठ सकते हैं, या अपने बाथरूम में गर्म पानी करके वहाँ बैठ सकते हैं। ठंड में, सर्दी में, जब पेनिस वैसे ही श्रिंकेज में है, आप अपनी मसाज नहीं करेंगे। वार्म करने के टाइम आपको पेनिस को तो वार्म करना ही है, साथ में आपको पेनिस के अंदर ब्लड का सप्लाई स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको पहले 5 से 10 मिनट अपनी कीगल एक्सरसाइजेस करनी है। तो कीगल एक्सरसाइजेस बेसिकली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस है जो पेनिस के अंदर ब्लड को पुश करती है। कीगल एक्सरसाइजेस कैसे करें उस पर मेरा एक स्पेशल वीडियो है, उसमें मैंने आपको कीगल एक्सरसाइजेस के बेसिक बताए हैं।
तो आप जब आपके पेनिस को वार्म कर रहे हैं तो आपको अपने पेल्विक फ्लोर को भी वार्म अप करना है और अपनी कीगल एक्सरसाइजेज उस समय करनी है। 5 से 10 मिनट कीगल एक्सरसाइज करने से आपके पेनिस में ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा तो मसाज का बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अब आप पेनिस मसाज के लिए तैयार है, आपने अपने पेनिस को वार्म कर लिया है, कीगल एक्सरसाइजेस कर ली है, अब पेनिस थोड़ा सा फ्लैसिडिटी में है। अब हो सकता है कि इस दौरान आपके मन में ख्याल आए और पेनिस इरेक्शन में आ जाए, तो आपको इरेक्शन में मसाज नहीं करनी है, आपको इरेक्शन के जाने का वेट करना पड़ेगा। अगर इरेक्शन नहीं जा रहा तो आप मसाज छोड़ दीजिए, आपको इरेक्ट कंडीशन में मसाज नहीं करनी है। अगर आपका पेनिस सेमी इरेक्शन में है, 30-40% इरेक्शन में है, तो वो मसाज के लिए बेस्ट स्थिति है। बिल्कुल फ्लैसिड भी नहीं है, बिल्कुल इरेक्ट भी नहीं है, पेनिस लटकन में है, अब आप पेनिस की मसाज चालू कर सकते हैं। अपनी फोरस्किन को पूरा पीछे करेंगे, पेनिस को बेस से पकड़ेंगे और मसाज हमेशा बेस से बाहर की तरफ होगी। कभी भी मसाज को उल्टा नहीं करना, आपको पेनिस के ब्लड को बॉडी के अंदर नहीं भेजना, आपको हमेशा मसाज को बेस से ग्लांस की तरफ लेके जाना है। मैं आपको जेलकिंग के लिए मना कर रहा हूँ, जेलकिंग इंजूरियस है। देखो, जेलकिंग से बहुत बेनिफिट है, बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स जेलकिंग को डैमेजिंग मानते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन से नहा किया गया हो, इनप्रॉपरली किया गया हो, तो जेलकिंग से इंजरी हो सकती है। पर जेलकिंग आपको नहीं करनी है, अभी आपको बेसिक मसाज करनी है, उसी से आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, आपको जेलकिंग तक नहीं जाना। पर अगेन, मैं जेलकिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जेलकिंग के प्रो हूँ। जेलकिंग से काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, काफ़ी पेशेंट्स को बेनिफिट मिलता है, पर अगर प्रॉपरली की गई हो तो आपने पहले पेनिस के बेस को होल्ड करना है और इनिशियल 30-30 सेकेंड्स के आपको 4 पिनाइल स्ट्रेचेस करने हैं। आपको एक हाथ से पेनिस के बेस को पकड़ना है, दूसरे हाथ से अपने पेनिस को पकड़ना है ग्लांस के नीचे और पेनिस को स्ट्रेच करना है, बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है ताकि आपको थोड़ा पेनिस में स्ट्रेचिंग की फील आए। स्ट्रेचिंग आपको 15 से 20 सेकेंड से ऊपर नहीं करनी, स्ट्रेचिंग में आपको पेन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेचिंग में आपके ग्लांस में कलर चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रेचिंग में आप बहुत ज़्यादा तेज स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, पेनफुल स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, और स्ट्रेचिंग आप 15 सेकेंड्स के ऊपर होल्ड नहीं करोगे। जैसे जैसे आपकी बॉडी रिकवर करेगी, आपकी लेंथ रिकवर करेगी, आपकी फ्लैसिडिटी इंप्रूव होगी, पेनिस के अंदर जो स्कार टिश्यू है वो डिसॉल्व होगा, पेनिस में जो सॉफ्टनेस आएगी, उसके बाद चाहे तो आप स्ट्रेचिंग बढ़ा सकते हो, पर इनिशियली आप 10 से 15 सेकेंड की स्ट्रेचिंग करेंगे 4 से 5 बार आगे की तरफ, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। तो 5 बार स्ट्रेच करने से आपके पेनिस के अंदर मूवमेंट आएगी, उसके अंदर जो भी स्कार टिश्यू है वो इम्प्रूव होगा और पेनिस के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो बेटर होगी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि पेनिस मसाज करना है, केयरफुली करना है, अपने पेनिस को इंजर नहीं करना है, हमने अपने पेनिस को इम्प्रूव करना है। और अगर आप पेनिस मसाज के प्रोटोकॉल पर हो तो उस दौरान आप मास्टरबेशन नहीं करोगे, इरेक्शन में पेनिस की मसाज नहीं करोगे, और जहाँ भी आपको लगे कि पेन हो रहा है वहाँ स्टॉप करोगे, आपको मसाज में पेन नहीं होना चाहिए। स्ट्रेचिंग होने के बाद आप पेनिस को बेस से लेकर आउटवर्ड्स, बेस से आपको कभी भी ग्लांस को पकड़ के स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, आपको ग्लांस के नीचे से अपने पेनिस को होल्ड के स्ट्रेच करना है, ग्लांस पे स्ट्रेच नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपने अपने पेनिस को मसाज करना है बेस ऑफ पेनिस, जो पेनिस की जड़ है, पेनिस की जड़ से लेकर ग्लांस की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, अंदर से आउटवर्ड्स की तरफ। और मसाज करने के कई तरीके डिस्क्राइब्ड है, या तो आप ओ रिंग बना सकते हो जिसको जेलकिंग बोलते हैं। जेलकिंग क्लासिकली होता है कि आपको ओ रिंग को टाइट बनाना है और ब्लड को जैसे टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं वैसे ब्लड को आगे लेके जाना है, आपको जेलकिंग नहीं करनी है। आप जो है पेनिस को सॉफ्ट जैसे आटा गूंथते हैं वैसे बेस से लेकर टिप तक मसाज करते हुए आ सकते हैं। जो जो आपके एरियाज की ऊबड़ खाबड़ है, जहाँ जहाँ आपको लगे कि पेनिस में गांठे हैं, थोड़ा सा उस एरिया को थंब से हल्के से मसाज कर सकते हैं, और उसके बाद पेनिस को जड़ से लेकर टिप तक आप हल्के हाथ से मसाज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप और रिंग बना के उंगली के अंदर पेनिस को जकड़ के भी हल्के हाथ से ब्लड को आगे पुश कर सकते हैं, आप माइनर जेलकिंग जो है वो कर सकते हैं। पेनिस मसाज की एडवांस टेक्निक्स भी है, पेनिस मसाज की बहुत सारी टेक्निक्स है, मैंने काफ़ी समय कोरिया में, थाईलैंड में बिताया है, काफ़ी टाइम वहाँ प्रैक्टिस देखी है। कई बार चीज़ें जो है जो आप मेडिकल साइंस में एक्सेप्टेड नहीं है, पर आप उनको अच्छे रिजल्ट में देखते हो। कई बार मेरे फॉरेन पेशेंट्स आते हैं जो फिलीपीन से आते हैं या कोरिया से आते हैं, वो काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज करते हैं, तो उनसे भी एक्सपीरियंस आता है। काफ़ी बुक्स भी है इसके ऊपर, टेक्स्ट बुक्स है जो पढ़ते हैं,
तो मैं आपसे सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं शेयर करूँगा क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे सब इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। तो आप बिना इंजर किए अगर इतनी भी पेनिस मसाज प्रॉपरली 5 to 10 minutes एवरी डे करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ में ERP के दूसरे भी बेनिफिट्स है, जैसे ERP में सिर्फ मसाज नहीं है, मेडिकेशन है, L-arginine है, कीगल्स है, रनिंग है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग है, हार्मोनल इंडक्शन है, शॉकवेव है, पी शॉट है। इन सब के कॉम्बिनेशन से पेशेंट्स जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिनमें दवाइयाँ नहीं काम कर रही है या दवाइयाँ कम काम कर रही है, तो उनमें फ़र्क आता है, इरेक्शन अच्छे आते हैं, टाइमिंग इम्प्रूव होता है, पेल्विक हेल्थ इम्प्रूव होती है, पेनिस में वेन्स आती है, पेनिस में फुलावट आती है, पेनिस में लंबाई आती है, पेनिस में गर्थ आती है। साथ में PTD कर सकते हैं। मैं वैक्यूम पंपिंग के लिए पेशेंट्स को मना करता हूँ क्योंकि पंपिंग से आप ब्लड को अलग से खींच रहे हो पेनिस में, उससे आपके वॉल्व्स खराब हो सकते हैं। तो आप पेनिस की पंपिंग नहीं करोगे, पर पिनाइल मसाज अगर आप प्रॉपरली करते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको पिनाइल मसाज की एडवांस टेक्निक्स, पिनाइल मसाज की डिफरेंट ऑयल्स, पिनाइल मसाज के डिफरेंट मेडिकेशंस के बारे में बताऊंगा। डिफरेंट ऑयल्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में, जैसे हिमकोलिन है या आपका जो भी प्रोप्राइटरी नेम्स है, इनमें क्या क्या कंटेंट्स है और उनका क्या क्या बेनिफिट है, उसके बारे में भी मैं आपको एडवाइस करूँगा। तो ये मेरा एंड्रोलॉजी चैनल है, इस पर आपको एंड्रोलॉजी से रिलेटेड हमेशा अपडेटेड लेटेस्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ रहेगा। अगर आप लाइव सर्जरी देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इम्प्लांट की सर्जरीज देखना, ZSR की सर्जरी देखना, आप चाहते हैं मरीजों का पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट देखना, तो मेरा इंग्लिश चैनल है डॉक्टर VG गुप्ता सर्जन, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें आप मेरी लाइव सर्जरीज को फॉलो कर सकते हैं। हूँ मैं सर्जन, करता हूँ मैं सर्जरी, पर मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि अगर पेशेंट की सर्जरी बच जाए और उसके बिना पेशेंट इम्प्रूव करता है तो व्हाई नॉट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।